जय श्री राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में जो था हमने अपने टाउन पे आके वीडियो को क्लोज किया था, और हम कहते हैं कि अगले वीडियो में जो है ना अपने गांव का पूरा प्रॉपर दिखाएंगे अपना गांव। कि हम पीछे जो है ना ये मेन रोड से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे हमारा जो लास्ट वीडियो था ना वो स्टॉप हुआ था। आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना अगला वीडियो, तो हम दिखाते हैं सामने कि हमारा रास्ता जो है गाँव में वो कौन सा जाता है। गाइस, इसको बोलते हैं भट्ठा, जहाँ पे ईंट बनाया जाता है, जो कि घर बनाते हैं हम लोग, उसके लिए ये भट्ठा है। तो बहुत सारे गांव में आप लोग देखा होगा ऐसा ऐसा भट्ठा, तो ये मेरे भी गांव में बहुत ज्यादा है। फाइनली ये है हमारे गांव का जो मेन सड़क है ना, यहाँ से ये रास्ता भी जा सकते हैं हम इस रास्ते, लेकिन हमारे लिए जो ईजी रास्ता है वो यहाँ से है। काफी दिनों के बाद मैं अपने सरकारी स्कूल पे आया हूँ यार, वो गांव वाली फीलिंग मुझे अभी याद आ रही है धीरे धीरे। सब कुछ ऐसा ही है यार, कहते हैं ना जो गांव की मिट्टी की सुगंध होती है वो एक अलग ही होती है। वो सुगंध आपको सिटी में नहीं मिलेगा या अन्य जगह पे नहीं मिलेगा, वो बस गांव में रहता है। और ये सब लाइफ जो देख रहे हैं ना बच्चे, ये सब लाइफ हमने भी जिया है यहाँ पे रह के। और ये रास्ता गाइस वैसे ही है जो पुराना था, वैसे ही है जब मैं गया था तो ये रास्ते बन रहे थे, बिकॉज ये भी पहले कच्चा था सब कुछ, और ये स्कूल में मैंने पढ़ाई थी स्कूल। तो गाइस अभी हमने इंटर कर लिया अपने गाँव के अंदर, और जो हमारा वाला जहाँ जिस टोले पे घर है, बिकॉज हमारे पे हमारा गाँव है ना वो टोला ये वाला है, और आप देख सकते हो ये हमारा गाँव हुआ है, लेकिन पहले से अच्छा लग रहा है, बिकॉज उतना इम्प्रूव नहीं हो पाया है। गांव लोग ऐसे ही करते हैं कि उतना इम्प्रूव नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। लोग अपने लिए जो भी है ज़रूरत के हिसाब से अपना घर बना लिया रहने के लिए, कि मेरे चाचा का घर है जाइए तो कितना बड़ा है। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। तो गाइस ये है मेरा प्यारा सा घर, सुंदर सा, अच्छा सा, न्यारा सा, मेरा महल, मेरे लिए ताजमहल है ये। जब मैं रहता था उस समय भी ताजमहल था, और अभी भी मेरे लिए ताजमहल है। तो गाइस ये रहा मेरा गेट, जो गेट जब मैं पहले गांव में था तभी हम लोग लगवा के गए थे, और 4 साल से यहां पे कोई आया भी नहीं था गांव में, वैसे ही पड़ा हुआ था। तो ये गेट है, ओपन करते हैं इसको। ये रहा मेरा घर, कच्चा ही है, वैसे ही कच्चा है जैसे पहले था, आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और एक्चुअली रात में हम लोग यहीं पर सो रहे हैं, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था यहाँ पर। और ये देखो मशीन रखा हुआ है गाइस, ये गांव में जब हम लोग गाय रखते थे ना, गाय भैंस हमारे घर पे 5 साल पहले वैसे गाय रखी जाती थी, और उसका सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे हम लोग छाटी काटते थे, लेके आते थे हरा हरा घास खेत में से काट के, और इसमें छाटी काट के और गाय को चारा डालते थे, ठीक है। और गाइस ये देखो 4 साल पहले ये मैं फ़ैन लगा के गया था, मैं सोचा बिल्कुल ख़राब हो गया होगा, लेकिन अभी भी वैसा ही चल रहा है और अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा साउंड है इसमें, लेकिन अभी भी फ़ैन चल रहा है, ठीक है। मीटर लगवा के गया था, वो भी सब कुछ ऑन है। और ये रहा मेरा घर अंदर से। गाइस 5 साल पहले मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी, हम लोग एक्चुअली इसके सामने एक घर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सामने जो घर है उसमें हम लोग रहते थे, और वो घर पूरा चूता था पानी से। सो गाइस पहले मैं उस वाले घर में रहता था, ये जो लड़का है ना ये मेरे चाचा का लड़का है, जहाँ पे वो खड़ा हो रहा है वो अपना घर था पुराना वाला। गाइस वो घर ऐसा था ना, जब भी बारिश आता था तो पूरा बारिश का पानी अंदर ही आता था। तो ये दो मंजिला की घर है, ये चाचा की घर है, ये और वो घर एक ही में था पहले, ये बाद में तोड़ के बनाया हुआ। तो पहले मैं उस घर में रहता था, और उसमें भाई पूरा बारिश का पानी पूरा अंदर ही आता था गाइस। तो आप सोच सकते हो हम लोग कैसे रहते थे उसमें। तो फिर जाके सबका बंटवारा हुआ, तो मतलब सबको अलग अलग मिल गया, तो अभी अपना अपना सब लोग बना लिए। बिकॉज वो घर काफ़ी पुराना था, बहुत ज़्यादा पहले का वो घर बना हुआ था, उसके बाद हमने ये घर बनाया यहाँ पे। मतलब हमारे पापा 4 भाई है, तो उन लोगों में सब में बंटवारा हुआ, तो सबको अलग अलग मिला, तो उसके बाद अपना अपना घर बनाया गया। तो ये जो हमारा घर था वो 4 साल पहले ही हमने बनाया था, और हम ये घर बना के जस्ट यहाँ से निकल गए थे हम लोग गाँव से, फिर हम लोग लुधियाना शिफ्ट हो गए धीरे धीरे। तो अभी तो वहाँ पर भी अपना घर हो गया है, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से सब कुछ अभी हो गया है धीरे धीरे। गाइस यकीन मानो जब मैं आया था ना घर में, तो इस घर के अंदर एक सांप बैठा हुआ था, और बहुत बड़ा सांप था, और उस सांप को पता नहीं क्या बोलते हैं लोग यहाँ पे, धामिन के नाम से जानते हैं, इसी में बैठा हुआ था वो सांप, यहाँ पे वो सांप आराम से बैठा हुआ था। बिकॉज पीछे का एरिया मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पीछे कैसा, तो यहाँ पे वो सांप बैठा हुआ था। और जब मैं आया तो मम्मी झाड़ू लगा रही थी, उनको दिखा तो फिर उसको डंडे से मार के हटाया गया, तो बाकी निकल के गया।
ये भी घर अभी वैसे पड़ा हुआ है। तो ये देखो पीछे बिल्कुल गड्ढा सा एक पोखर है बड़ा सा, इसी की वजह से शायद सांप जाके अंदर बैठा था, वो पता नहीं कितने दिन से। बिकॉज ये जब आए थे हम लोग ना तो इस पर बहुत ज़्यादा घास था, बड़ा बड़ा था, इतना बड़ा घास था। भाई देखो यहाँ पे टॉयलेट बनाया हुआ था, जब हम गए थे तो उस समय बनवा के गए थे टॉयलेट को, और टॉयलेट पूरा ख़राब हो गया हम लोगों का। अभी नहीं, अंदर से नहीं ख़राब हुआ, लेकिन ये जो था ना, ये जो दीवार है ना, वो दीवार यहाँ के बराबर में था, लेकिन ये मतलब पीछे की वजह से, भराव की वजह से पूरा ख़राब हो गया और इधर लटक गया, इधर पूरा ख़राब हो गया। ये अचानक कभी भी गिर जाएगा उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी काम उसी में चल रहा है, ठीक है। और ये देखो गाइस कितना बड़ा पीछे पोखर है, देखो हमारा खेत है गाइस वहाँ पे, वो दिख रहा है जो वहाँ पे, वहाँ पर खेत है। फिर ये जो बागीचा दिख रहा है आपको, बागीचे के पीछे भी हमारा खेत है। अभी फिलहाल में हम लोग बोते नहीं हैं, वो सब रेहन रखा हुआ है, बिकॉज घर पे कोई है नहीं बोने वाला, तो इसीलिए सब अभी रेहन पे रखा हुआ है। सो गाइस ये हम आ गए अपने छत पे, और छत पे देखो ये देख रहे हो पूरा काला काला सा हो गया जमीन पूरी, बिकॉज इस पर नहला भी नहीं हुआ था। नहला का मतलब गाइस आप लोग बहुत लोग नहीं समझे होंगे, नहला का मतलब होता है ना जब लिंटर लगता है ना उसके ऊपर से सीमेंट डाल के उसको क्लीन किया जाता है, तो वो भी नहीं हुआ, इसी वजह से पूरा काला काला हो गया। जब रह रहे थे उसमें प्लान था कि इसको 2 मंजिला बनवा लें, लेकिन वैसे ही छोड़ के सब कुछ चले गए हम लोग। अभी वैसे देखें, ये देखें चारों तरफ वैसे ही है, और ये है मेरे चाचा का घर, ठीक है। ये 2 मंजिले की मेरे चाचा का घर है, और पीछे का नज़ारा देखो छत से कैसा लग रहा पूरा मेरा, देख रहे हो आप। ये देखो शहर में ये बांस की कोठी नहीं मिलती है, जिसे लोग फट्टी बनाते हैं, सारा चीजें बनाते हैं। ये देखो कितना है गांव में, ये अमरूद का पेड़ है इतना बड़ा गांव में। यहाँ से देखो मेरा छत से कितना ऊपर दिख रही है, इधर का देखो ये मेरा गांव है, गांव का व्यू देखो आप। तो गाइस ये था मेरे घर का कुछ रिव्यू, आपको गांव का रिव्यू मैंने दिया कि मेरा गांव पे ऐसा ही घर है, और आगे देखे तो कितना बड़ा बड़ा घास लगा हुआ अभी भी वैसे ही है, बिकॉज उसको अभी साफ करेंगे ना तो मिट्टी पूरा दे देंगे और सड़क में जाएगा, बिकॉज बरसात का टाइम है तो उसको अभी क्लीन करने वाला भी कोई नहीं है। तो हम मम्मी से बोले वैसे छोड़ देते हैं इसको, वो जब थोड़ा सा वो मौसम आएगा तो अपने आप ही सूख जाएगा या क्लीन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 1-2 दिन के बाद गाइस। अगर 1-2 दिन वीडियो नहीं आया तो प्लीज़ यार ऐसा मत कहना कि भाई वीडियो नहीं पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है, 2-3 दिन लेट हो सकता है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बहुत धमाल होने वाला है, पूरा बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, और ये वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार देना आशीर्वाद देना, बस ठीक है, उसी चीज़ की हमें कमी है, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं एक नई सुबह एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।